नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी आजमी। आप देख रहे हैं जनवाद टाइम्स, सच के साथ एक कदम। मैं डॉक्टर सुनील उपाध्याय, आगरा प्रोग्रेसिव टीचर एसोसिएशन का संस्थापक और संयोजक। तुम्हारे लिए क्या कुछ आयोजन है, क्या कुछ जानकारी देना चाहते हैं? आज सीए के लिए आगरा के समस्त शिक्षक जो आगरा प्रोग्रेसिव टीचर एसोसिएशन के बैनर तले आते हैं, वहाँ यहाँ पर वो हजारों की संख्या अपने छात्र छात्राओं के साथ आए हैं। दरअसल हम लोग इस सीए को राष्ट्र के समर्थन दे रहे हैं। आप सभी जानते हैं आज कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए समाज में भ्रम फैला रहे हैं, समाज में अस्थिरता लाना चाहते हैं। उस अस्थिरता को दूर करने के लिए हम शिक्षक सबसे पहले आए हुए हैं। वो लोग एक ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सीए से नागरिकता छीनी जाएगी, जबकि सीए नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। इसमें माइनॉरिटी से जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लोग आ रहे हैं उनको नागरिकता देने का प्रोविजन है। बस इसी मैसेज को कन्वे करने के लिए आज सबसे रैली का आयोजन था। वही विपक्षी पार्टियों का यह कहना है कि यह रैली बिल्कुल फेल होती नजर आ रही है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे विपक्षी दल? दरअसल एक कहावत है, जब व्यक्ति अंधा हो तो उसे सावन में भी कुछ नजर नहीं आता। अगर वो यहाँ से देखेगा तो यहाँ आज लाखों के समर्थन में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। हम अपने शिक्षक साथियों की बात बता दें, हमारे शिक्षक साथी लगभग 5,000 की संख्या में आए हुए हैं, और फिर वो कैसे कह सकते हैं कि ये रैली फेल है? फेल तो है ही नहीं, शायद फेल उनके मेंटल स्टेटस फेल हो गए, उनकी सोचने की क्षमता फेल हो गई है, क्योंकि वो देश में जो सिविल वॉर जैसी कंडीशन को पैदा करना चाहते थे आज उनके वो प्लान फेल हो गए। मेरा नाम एसपी भारद्वाज एडवोकेट है, मैं माने का संयोजक हूँ कानून का समर्थन हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्र हुए हैं सीए को समर्थन देने के लिए, और ये सीए जो लागू करा है भारत सरकार ने, हम उसको बधाई देते हैं। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये हमारी जो भारत की जनता है इसके फेवर में है। विपक्ष जो ये गुमराह कर रहा है इस बात को लगातार कि ये मुसलमानों के विरोध में या किसी जाति के विरोध में, किसी जाति के विरोध में नहीं है। हम सिर्फ सीए के समर्थन में सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के मुसलमानों के लिए, हमारे देश के व्यक्ति के लिए बहुत सही कानून लाया गया है। हम भारत सरकार की धन्यवाद अदा करते हैं। मतलब क्या मानना है, कितनी भारी संख्या में भीड़ मौजूद हो सकती है? कम से कम यहाँ पर हमारा 50,000 का टारगेट है, जो मुझे लगता है लगभग पूरा हो चुका है। 50,000 से ज़्यादा ही संख्या यहाँ पर आएगी, और भरपूर तरीके से हम लोग यहाँ पर, और आने वाली जनता, और अभी लोग काफ़ी आ रहे हैं। कट करनी पड़ेगी सर, सेना मेडल हूँ, आर्मी से हूँ, 20 साल देश की सेवा बॉर्डर में तनाव होके करी है। इस भारत माता के लिए जहाँ भी गोलियाँ चली हैं, 1983 में आर्मी ज्वाइन करी है, जहाँ भी, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीप हो, चाहे जेएनके में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, हर जगह मैंने ऑपरेशन करे हैं। सीए का समर्थन इसके लिए सर, हम मैं एक भारत माता का सपूत हूँ सर, और मैं भारत माता के गुण का जिंदगी भर गाते रहूँगा। आज जो ये सीसीए जो कानून पास करा मोदी जी ने, इस कानून को पास करने से एक तो देश के जो गद्दार नेता है वो सामने खुल के आ गए, देश के जो छुटपुट गैंग वाले हैं वो सामने आ गए, उनकी पोल खुल गई, क्योंकि अब इनको ये पता लग गया अब इससे आगे हमारा कुछ नहीं हो सकता है। तो ये बिल्कुल ऐसे आ गए, देश को तोड़ने के मूड में आ गए, देश की प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं, देश को आगजमी कर रहे हैं, देश की जनता को, जो आम जनता है उसको नुकसान कर रहे हैं। हर जगह चौराहे पे दंगा फसाद हो रहा है। मैं कहता हूँ विरोधी पार्टियों का ये कहना है कि ये सीए है उनके समर्थन में नहीं है, उनके खिलाफ है, देश के हित में नहीं, ये देश के हित में है, क्योंकि मैं एक फौजी आदमी हूँ, बॉर्डर से कैसे घुसपैठ होती है ये 20 साल मैंने देखा है। मैंने एक फोर्टिसमैन पकड़ के चौकीदारी करी है बॉर्डर में। देश के उस नेता, गद्दार नेता को पता नहीं है कि घुसपैठ कैसे होती है? हम सैनिकों को होती है, सबसे पहले नेता से अटैक नहीं करता उग्रवादी, वो फौजी जवान से करता है बॉर्डर में मुलाकात सबसे पहले, और जब हमारी गोली से बच के निकलता है तो ये नेता पालने वाले हैं, जो गद्दार, जो आज देश के अंदर नारा लगा रहे हैं। क्या मानना है भारतीय जनता पार्टी का? भारतीय जनता पार्टी ने जो ये जो कानून पास करा ये बहुत अच्छा, ये देश हित में है, और 70 साल देश को आजाद हुए हुए 72 साल, आज इस 72 साल में बीजेपी की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट नहीं आती तो हमें पता भी नहीं लगता हमारे देश को दीमक कैसे खा रहे नीचे से, ये दीमकों का पता।
इसलिए आप लोगों से निवेदन करना है इस तरह से आप आज ऐसा नाम केंद्र लेकर आओ अभी कार्यकर्ता का स्वागत करता हूँ और कार्यकर्ता करता हूँ जय इंदिरा धन्यवाद। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।